हेलो स्टूडेंट्स, डाउट एट चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो पासा होता है, पासा वो घन के आकार का होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। ये घन हो जाएगा। एक दूसरा घन और है इसी आकार का, इन दोनों को मिलाकर के एक बड़ी आकृति बनाई जाती है। इसके जो संलग्न फलक हैं, ये फलक और ये फलक, इस फलक को और इस फलक को आपस में मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, तो जो बनेगा वो बनेगा एक घनाभ। दो घनों को मिलाने से जो आकृति बनेगी वो एक घनाभ की आकृति बनेगी। इस तरह की एक आकृति बन जाएगी। दो घनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक घनाभ की आकृति बनेगी। हमें दिया है घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। हम भुजा मान लेते हैं ए, घन की भुजा मान ली हमने ए। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी हो जाएगी और ऊंचाई भी ए हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी भी ए और ए। घन के आयतन का सूत्र होता है ए का घन बराबर, दे रखे हमें 64। यहाँ से हमारे पास ए का घन बराबर हो जाएगा, 64 को लिख सकते हैं 4 का घन, क्योंकि 4 का घन होता है 64। यहाँ से हमारे पास ए का मान आ जाएगा 4। दोनों तरफ घनमूल करेंगे, घनमूल करने पर ये घन हट जाएगा, ए बराबर 4। हमारे पास घन की एक भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। अब इन दो घनों को मिलाकर के घनाभ बनाया गया है। जब इन दोनों घनों के इन फलकों को मिलाएंगे तो जो घनाभ बनेगा उसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी ए जमा ए, यानी कि 2a। ये कहें कि हम 4 × 2 = 8। देखो हमारे पास ये जो घनाभ बनेगा इसकी जो लंबाई आएगी, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। इन दोनों को साथ साथ मिलाएंगे तो सिर्फ बढ़ेगी लंबाई, ए जमा ए 2a। चौड़ाई है वो उतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी रहेगी ए, सिर्फ लंबाई डबल हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई समान रहेगी। तो यहाँ से हमें इस घनाभ का क्षेत्रफल बताना है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है इसका बाहर का पूरा क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ का, इसकी जो सतह है, इसका बाहर का जो सतह है इसकी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब हमारे पास घनाभ की जो लंबाई है वो हो जाएगी 2a, 2 × a, ए हमारा है 4, तो 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, लंबाई L, चौड़ाई हमारी हो जाएगी B और ऊंचाई को हमने मान लिया H। अब घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB जमा BH जमा HL।
जहाँ पर L है लंबाई, B है चौड़ाई, H है ऊंचाई। यहाँ से हमारे पास मान रखेंगे 2 गुणा L, L हमारे पास है लंबाई 8, गुणा B चौड़ाई है 4, जमा B 4 गुणा H, 4 जमा H गुणा L, H है 4, L है 8, गुणा करेंगे 8 गुणा 4 32, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 8 32, 2 गुणा 32 और 16 48, 48 और 32 80, 2 गुणा 80 160। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में। हमारे पास सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दो घनों को मिलाकर के बनाया गया है।